स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों को नवरात्रों के हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात और कहना चाहूँगा, संदेश है मेरा कि जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और महत्वपूर्ण बात, जो कि आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल जो चल रही है कोरोना वायरस, कृपया इससे बचे रहें, घर रहें, क्योंकि बचाव ही केवल इसका उपचार है और अभी तक उपचार अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। तो कृपया घर रहें, पढ़ें, यूट्यूब चलाएं, स्टडी करें, ताकि आने वाले टाइम में जोर शोर से आप एग्जाम दे सके और क्वालिफाई हो सके। ठीक है, अब मैं ज़्यादा समय ना लेती हूँ, सीधा आता हूँ टॉपिक पे। हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भूगोल, तो भूगोल में बात होती है शुरू सौरमंडल से। भूगोल में मैं बताने जा रहा हूँ सौरमंडल। तो सौरमंडल का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सौरमंडल है कि हमारा एक सूरज और उसके 8 ग्रह, एक सौरमंडल। सौर मतलब सूर्य से उसका नाम सौर रखा गया, मंडल मतलब उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जो उसके अंतर्गत आता है, जिस पर उसका होल्ड है, जिस पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो उसका सौरमंडल है। ठीक है, तो उसके अंदर सब कुछ आता है, उल्का पिंड आते हैं, छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, वो सभी चीजें जो सूर्य का चक्कर लगा रही हैं वो सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड बात करें तो सूर्य प्लस उसके 8 ग्रह सौर मंडल कहलाते हैं। अभी बात बताता हूँ कि अभी दिसंबर 2017 में एक और नई सौर मंडल की खोज हुई है, जो कि हमारे ही सौर मंडल जैसा है, उसके सूर्य के चक्कर भी 8 ग्रह लगाते हैं। कैपलर दूरबीन से उसको देखा गया था, तो उस तारे का नाम कैपलर 90 रख दिया गया, प्लस ये किया गया कि उस सौर मंडल का नाम कैपलर 90 सौर मंडल रख दिया गया। ठीक है ना, बिल्कुल रिसेंट खोज है दिसंबर 2017 की, जो भी लेटेस्ट है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं, हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है एक तारा है, और इसकी स्थिति ये है कि ये ना इसमें हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, और संलयन होने के बाद इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी तरीके से ये लगातार हमें अपार ऊर्जा देता आ रहा है और अभी आगे भी देता रहेगा। अब बात करें कब तक देता रहेगा, तो किसी भी एक तारे की स्टैंडर्ड आयु जो होती है, उम्र जो होती है, वो 10 बिलियन ईयर होती है। ठीक है ना, 10 बिलियन ईयर होती है। तो हमारा जो सूर्य है उसकी करीब 4.5 से 5 बिलियन ईयर उम्र बीत चुकी है, और अभी 5 से 5.5 बिलियन ईयर उम्र बाकी है। अर्थात अगले 5.5 बिलियन ईयर तक हमें ऐसे निरंतर बिना रुके ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति है सूर्य की। अब सूर्य की स्थिति ये है कि सूर्य का जो सेंटर का जो पार्ट है, मतलब जो उसका केंद्र है, अगर उसकी बात करूं तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, और उसके बाहर की बात करूं तो उसके बाहर वाला हिस्सा, वो हिस्सा जो हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है ना, जो हिस्सा हमें आंखों से दिखाई दे जाता है, उसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ऊपर से एक चीज होती है कोरोना। कोरोना मतलब एक सूर्य के चारों तरफ एक वलय जैसा दिखता है, जैसे कोई रिंग अंगूठी जैसा एक वलय, उसे कोरोना कहते हैं। अब आप उसे देख कैसे पाओगे, तो जब चंद्रमा सूर्य के आगे आ जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो उसके चारों तरफ एक छल्ला दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहा जाता है। अब कोरोना की बात आई तो बीच में बताता हूं कि कोरोना वायरस का नाम भी सूर्य के उसी वलय से लिया गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ भी एक रिंग बना हुआ है, प्लस इसके ऊपर कुछ लिंक हैं बाहर की तरफ निकले हुए, जो एक ताज यानी क्राउन की तरह दिखाई देते हैं। क्राउन और कोरोना मिलकर के इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। तो बीच में ऐसी टॉपिक, जब कोरोना की बात है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं दोबारा सूर्य पे। तो होता यह कि नाभिक संलयन प्रक्रिया होने के कारण कभी कभार इतनी तेज आंधियां चलती हैं सूरज पे, अग्नि की, के एक बहुत तेज सौर लपट प्रेशर से बाहर निकल आती है, और वो बाहर निकल के आकर के पृथ्वी के वातावरण तक चली आती है एयर ट्रेवल करके, क्योंकि बाहर तो निर्वात है, कोई घर्षण नहीं, कोई वायु नहीं है, तो वहां से कोई चीज प्रेशर फोर्स से आई तो यहां तक चली आती है। अब जब वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश होता है वो ना कलरफुल दिखाई देता है, रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, उस रंगीन प्रकाश को हम अरोरा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अरोरा। अब ये दिखाई देता है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ही दिखाई देता है ज्यादातर।
तो जब उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है तो इसका नाम ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और जब ये दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देता है तो इसका नाम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है, ठीक है ना। ये दो चीजें तो ऐसे काम की हैं, तो इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। और आज मेरे हिसाब से आपको बोर्ड सबको साफ और सही दिख रहा होगा, तो ऐसे ही दिखाई देगा, तो आपको बोर्ड में दिखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जगह बदल दी है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, आप पढ़ सकें, ठीक है। तो आगे की बात शुरू करते हैं। सोलर फ्लेयर्स मतलब सौर ज्वालाएं जो हम बात कर रहे थे, तो सौर ज्वालाएं ऐसी होती हैं कि जिस समय सौर ज्वालाएं जिस जगह से निकलती हैं सूर्य से, तो वहां एक ब्लैक स्पॉट काला धब्बा बन जाता है, क्योंकि वो सोचो कि जब वो वहां से निकल रही होंगी तो कोई छोटी सी ज्वाला तो होगी ना जो पृथ्वी तक चली आई है ना, बहुत बड़े रूप में होती होगी, तो उस स्पेस को भरने में वहां नाभि के संलयन पूरा होने में कुछ समय लगता है। तो जिस जगह से वो निकलती है ज्वाला, वहां पे काला धब्बा पड़ जाता है जिसे हम सौर कलंक या ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, ये देखा ब्लैक स्पॉट। तो उस जगह का टेम्परेचर 1500 सेंटीग्रेड होता है, जिस जगह पे मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यहां सौर ज्वाला निकल जाती है, वहां जो काला धब्बा पड़ जाता है वो ब्लैक हो जाता है हिस्सा, उस हिस्से का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके जो सेंटर है, सूर्य का जो सेंटर है, कोर है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। और आगे की बात करूं तो इसपे हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, और बाकी अन्य गैसें 2.5%, ताकि वो उस प्रक्रिया को पूरा करने में जो सहायक गैसें हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। अच्छा, आगे शुरू करते हैं हम कि पारसेक क्या है। तो पारसेक एक दूरी है जो खगोलीय पिंडों को मापने में प्रयोग होती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.5 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। उसके आगे आया फिर एक नई बात बताऊं, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता यह है कि नीचे से हमारे पृथ्वी से ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए या खगोलीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए जिस दूरी का प्रयोग किया जाता है ना, उसे सेक्सटेंट कहते हैं। तो ऊंचाई मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो सेक्सटेंट है। अब बात आई प्रकाश वर्ष की। सर प्रकाश वर्ष तो बता दे, प्रकाश वर्ष होता क्या है ये? तो प्रकाश वर्ष के बारे में बता देता हूं कि एक प्रकाश वर्ष में बहुत बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा वैसे अगर स्टैंडर्ड बात करूं तो कह रहे हैं 9.45 × 10³, ये होता है प्रकाश वर्ष। ये है केवल फिगर जो रटने के लिए है, इसे रट लो अगर रटना है तो। और अगर आपको निकालना है और आप चाहते हो कि इसके फॉर्मूला कैसे करूं, कैसे याद हो, कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 300,000 किलोमीटर है ना, कितना चलता है 300,000 किलोमीटर, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना चलेगा, यानी एक मिनट के बराबर, एक मिनट में प्रकाश इतना चलेगा, 60 सेकंड में एक मिनट, एक मिनट में प्रकाश इतना चलेगा, इसकी गुणा कर दी जाए तो। उसके बाद एक घंटे की बात करें तो फिर 60 की गुणा करेंगे, अब एक घंटे में प्रकाश इतना चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर 24 घंटे में कितना चलेगा भाई, इसमें 24 की गुणा कर दो, तो ये 24 घंटे में प्रकाश द्वारा चलेगी दूरी निकल आएगी। देखो मैं गुणा करके बता रहा हूँ, बहुत समय लगेगा, पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको स्टैंडर्ड याद करना है तो ऐसे कर लो, कोई पूछने लगे डिफाइन करो इसे कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात किसी ने नहीं बताई होगी सबसे पहले, कि इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ये तरीका है प्रकाश वर्ष निकालने का, ठीक है। तो हमारा एक दिन का निकल आया, ठीक है। तो जब एक दिन का निकल आया तो गुणा 365, अगर आप इसकी गुणा करो तो प्रकाश वर्ष से निकल आएगा, मतलब एक वर्ष में या 365 दिन में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ये है, और ये आएगी 9.45 × 10³ किलोमीटर, ठीक है। ये बात किसी ने बताया उससे पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ नया है, आप सीखिए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी। अब सर इसमें क्या डिफरेंस है, न्यूनतम क्या अधिकतम क्या? तो दरअसल इसका डिफरेंस ये है कि हमारे जो पृथ्वी का पथ है वो अंडाकार है, ठीक है, और अब सेंटर में सूरज है। तो अंडाकार होने की वजह से कभी तो पृथ्वी यहां से निकलती है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना,
कभी तो पृथ्वी यहां से निकलती है और कभी यहां से निकलती है, तो जो इसके और इसके बीच की दूरी है इस हिस्से की, तो वो तो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इसके जो बीच की दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये बस एक मानचित्र मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कहेंगे इसमें तो ज्यादा दिख रही है सर, इसमें कम दिख रही है, तो अलग बात है क्या कम ज्यादा दिख रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड बस ऐसे आपको समझाने के लिए बताया कि ये दूरी ज्यादा क्यों और ये कम क्यों। समझ में आया, आगे चले, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं जी, जी क्या होता है भाई, तो जी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल मापने की इकाई, तो गुरुत्वाकर्षण को जो हम डिनोट करते हैं ना वो जी से करते हैं, है ना। तो हमारी पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी का जी जो है 9.8 न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का जी से 28 गुना ज्यादा है सूरज का, है ना। तो अगर बात करूं तो 9.8 × 28 = सन का जी, और इसे हम बड़े से ही डिनोट करते हैं जी, ठीक है ना। तो 9.8 न्यूटन मीटर × 28 की गुणा कर दें तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल निकल आएगा, तो इतना गुरुत्वाकर्षण बल है सूरज का पृथ्वी के मुकाबले, ठीक है ना। तो इसमें तो इतना ही था आज के लिए। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का लेक्चर यहीं तक था। कृपया मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।